अच्छा मुझे ये बताएं कि बड़ी होकर बनने का कुछ ख्वाहिश है? इस तरह पापा इतना बड़ा नाम कमाया स्पोर्ट्स में, तो आप भी स्पोर्ट्समैन बनेंगी? मैं पापा तो कहते थे आप डॉक्टर बन जाना, फिर मैं कह रहे हैं आप डॉक्टर बने, पापा खुद तो स्पोर्ट्समैन है, फिर आप डॉक्टर क्यों बनेगी? आप भी स्पोर्ट्समैन बन जाओ। क्लास में पढ़ती हैं तो पापा आ रहे हैं, क्या फूल किधर है? फूल तो है नहीं आपके पास पापा? पापा आएंगे ना फिर। लो अभी शो करें ना, मीडिया वाले आए हैं, अभी आप दिखाई नहीं दे, ये क्या बात हुई? अभी वो उस लोग ने फूल नहीं लगाए। पापा की तरह खेलती हैं आप भी? हाँ जी। जिवेलिन पे करती हैं, थ्रो करती हैं आप भी थ्रो करती हैं? नो करें। पापा माशाल्लाह हीरो बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आज आप? कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, अर्शन नदीम तूने हमारे गांव को खरीद कर अनमोल कर दिया। दसर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुमैसा। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। रुमैसा क्या करती हैं आप? मैं खेलती हूं। पापा की तरह खेलती हैं आप भी? हां जी। जिवेलिन पे करती हैं, थ्रो करती हैं आप भी थ्रो करती हैं? नो करें। मैं ना पापा के साथ गई थी। किधर गई थी बताओ ना? कहाँ पे? पापा ट्रेनिंग नहीं करते? हाँ। वो तो इतने दिन हो गए, वहाँ पे हम गई थी, इतना खेडा था हमने। पापा आपको भी ट्रेनिंग करवाते हैं? नहीं मैं बस एक दिन गई थी। पापा कितना प्यार करते हैं आपसे बताओ आज? बहुत ज्यादा। पापा माशाल्लाह हीरो बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है पापा से भी मिलने का? कितनी एक्साइटेड, कहाँ जा रही है मिलने के? फुल तैयारी के साथ? जबरदस्त जबरदस्त। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं प्राइवेट क्लास में। प्राइवेट क्लास में पढ़ती हैं, तो पापा आ रहे हैं, क्या फूल किधर हैं? फूल तो है नहीं आपके पास पापा? कब पापा आएंगे ना फिर? लो अभी शो करें ना, मीडिया वाले आए हैं, अभी आप दिखाई नहीं दे, ये क्या बात हुई? अभी वो उस लोग ने फूल नहीं लगाए ना इस वजह से। अच्छा जबरदस्त। बनने का कुछ ख्वाहिश है? इस तरह पापा इतना बड़ा नाम कमाया स्पोर्ट्स में, तो आप भी स्पोर्ट्समैन बनेंगी? मैं पापा तो कहते थे आप डॉक्टर बन जाना, फिर मैं कह रहे हैं आप डॉक्टर बने, पापा खुद तो स्पोर्ट्समैन है, फिर आप डॉक्टर क्यों बनेगी? आप भी स्पोर्ट्समैन बन जाओ। नहीं आपका नहीं शौक? नहीं। चलो देखने वालों से बाय बाय कर दें कि पापा आएंगे तब मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय बाय। अर्शद नदीम साहब की बेटी मार्शा मौजूद है, माशाल्लाह फूल जैसी बच्ची है, और ज़ाहिर है मीडिया को फेस किया एक फर्स्ट टाइम है, तो फिर यही इनका ट्रायल है, और माशाल्लाह भरपूर तैयारियाँ हैं। क्राउड देखे मेरे पास, माशाल्लाह मेरे अकम में आपको नज़र आ रहा है, कितने प्यार करने वाले ये वो लोग हैं जो एल ए मल्हादार हैं, जो इनसे प्यार करने वाले हैं। अर्शद नदीम साहब के बचपन के दोस्त मार्शा मौजूद है, उनके क्लास फेलो, कुछ ऐसी बातें ऑन कैमरा बताना चाहते हैं जो हमारी ऑडियंस हमारे लोग नहीं जानते, हमारे मुल्क पाकिस्तान की सादा आवाम नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? सजाद अली रिज़वी। सजाद अली रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बड़े मोतबर हैं सर, आप लगते नहीं कि आप उनके दोस्त हैं? आपका गेटअप, आपका हुलिया, वो तो बड़े तगड़े नौजवान झटका स्टाइल हैं सर। वो इस तरह के मैं 5 तक उनके साथ पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची से लेकर 5 तक पढ़ा हूँ उनके साथ, उसके बाद फिर मैं मदरसा में चले गया, तो उसका बचपन का शौक़ था गेम खेलना, तो इसीलिए फिर वो 6ठी क्लास 7-8 फिर वो आगे चलते रहे। अच्छा। और मैं हिफ्ज़ करने के लिए चला गया। माशाल्लाह। कब पता चला कि ये हमारा दोस्त बचपन का नेज़ाबाजी में पड़ गया, क्या मामला है? जी हमें तो पहले से पता था कि जैसे उसका बचपन में जब 7-8 साल का था उस वक़्त इतना शौक़ था, तो हमें फ़ख्र था उस पर, और पता भी था कि इसकी माशाल्लाह जितनी जुस्सा है जसामत है, तो इंशाल्लाह ये एक ना एक दिन हमारे दूसरा मुल्क पाकिस्तान को चमकाएगा। पढ़ाई में कैसा था, नालायक तो नहीं था? ऐसे बंदे अक्सर होते हैं ना बता दो आज ऑन कैमरा बता दो, कुछ नहीं होता। पढ़ाई में माशाल्लाह ठीक थे, लेकिन सैड मार रहे लेकिन इतना भी नहीं था, लेकिन वो गेम की तरफ ज्यादा ध्यान था उनका। स्पोर्ट्समैन फिर गेम के? हाँ जी 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 बिल्कुल ऐसे। फिर ये बताएं जरा फाइनेंशियली ये कैसे थे, कि बड़े घर से था अर्शद नदीम, लोगों को थोड़ा बताएं ना था? नहीं अर्शद भाई जो है वो एक बहुत छोटे घराने से था, मतलब कि उसका वालदे मोहतरम जो था वो मिस्त्रियों का काम करता है। मिस्त्रियों का काम? जी मिस्त्रियों का काम, तो इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने उनको बहुत इज्जत दी है। उसका वालदे मोहतरम जो है, उसके भाई जो है, सारे आईजी वाले हैं, तो हमेशा जो आईजी में रहता है तो फल उस बूटे को लगता है जो झुका होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अर्शद नदीम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, हमारे साथ 5 साल पढ़े हैं, तो वैसे भी कद लंबा था और हमें तो डर लगता था अगर हम छेड़खानी थोड़ी सी कार भी दें, हमें पता था कि ऊपर से मार पड़ेगी, तो इसीलिए, और वैसे भी अगर कोई उसको छेड़ भी देता था तो वो आईजी पसंद इंसान थे। अरसा बाद मिलने जा रहे हो अर्शद नदीम से लाहौर में, कितना अरसा बाद? बस कोई नहीं, इतना अरसा तो नहीं हुआ, माशाल्लाह बड़ी ईद जो है हमारे गांव में बड़ी है। अच्छा। और वैसे भी इतना इंटरनेशनल प्लेयर हो तो उसके अंदर अकड़ा जाती है,
लेकिन अरशद भाई जो है एक कार्टन का मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है भाई अरशद को कि उसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था कार्टन का, लेकिन कोई इतनी आकड़ ये वो जिस तरह आदमी चल रहे थे कोई गाड़ी नहीं थी। अच्छा, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, डाउन टू अर्थ सादा बंदा, सादा इंसान, फुल झटका स्टाइल और ऐसे ही जा रहे थे लोगों के साथ। लेकिन आप मुझे बताओ क्या तैयारी है, पूरे गांव की देख रहे हो सफाइयाँ हो रही हैं, अरशद नदीम सब लैंड हो रहे हैं आज लाहौर में, तो क्या तैयारियाँ गाँव में, क्या तैयारी है गाँव में? तैयारियाँ माशाल्लाह, जिस नाली के अंदर पानी ज़्यादा है तो वहाँ मशीनें भी आ गई है पानी निकालने के लिए, और जो रोड जो है ये सोलंग जो है उसकी सफाई माशाल्लाह कर रहे हैं जो क्रिस्टन है, तो सफाइयाँ हो रही हैं, तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज सफाई अपनी कर ली है। अच्छा जी, तो फिर क्या तैयारी है, फिर आप किस तरह से वेलकम करेंगे, ये तो आपके मल्लेदार हैं, विलेज वाले हैं, आप एक दो बड़े अच्छे दोस्त हैं उनके, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत है हमारा, जो सारा गाँव जो है वो खुशियाँ मना रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जब भी डाल के मिलेंगे इंशाल्लाह। हमारा तो दिल करता है कि अपने भाई को चूमते रहे। नेजा फेंक रहा था, क्या फीलिंग थी कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई हमें तो अपने हीरो पर, हमारा लीडर है, हम उसको लीडर बोलते हैं। अच्छा। अपना हीरो भी कहते हैं और लीडर कहते हैं, लीडर जो है बहुत बड़ा नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इधर किसने अगर किसी ने बयान दिया वो लीडर कहे या ना कहे, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो लीडर है। अच्छा। मैं उसको लीडर मानता हूँ। तो जब नेजा फेंक रहा था, जब 92 आगे 97 उसने वो थ्रो फेंकी, तो इधर से माशाल्लाह छुरलियाँ और जो आतिशबाजी सारा जो है फंक्शन शुरू हो गया था, क्यों हमें पता चल गया था कि अब इसके बाद दूसरा कोई नहीं आएगा, कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, अरशद नदीम तूने हमारे गांव को खरीद कर अनमोल कर दिया। क्या बात है नाज़रीन, उनके बचपन के दोस्त, इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को जाने देखते हैं प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें लाने के बाद।